यहाँ बन रही चाय, यहाँ बन रहा पराठा, ये बना रही है, आज जाना भी है इसको, जाते जाते काम कर रही है। क्यों क्यों मुंह छुपा के दे रही हो? बच्चा होगा ना, कुछ ना खाए। ये अंडा खा लिया, अंडा खा लिया इसने और रोटी ये पूरी रखी हुई है, इसलिए मुंह छुपा के दे रही है। चलो अंडा रोटी। वाह रे टक्कू, फ्रेंड्स टक्कू इतना चालू है मुंह छुपा के पेट वापस कर रहा है, क्योंकि उसने सिर्फ एग्स खाया है और रोटी दिया था, रोटी नहीं खाया, खाली एग्स खा के उसने वापस कर दी प्लेट। अरे मेरी बहन जाते जाते नाश्ता बना रही है, क्योंकि आज इन लोग का वापसी है, आज है 25, इन लोग 19 को आए थे और 25 को जा रहे, 19 को नहीं 20 को आए सुबह, और 25 को जा रहे, मतलब 5 दिन रहे ना तुम लोग, 5 दिन रहे कि इन लोग जा रहे हैं, और जाते जाते ये काम कर रही है। लेकिन 19 को आ गए थे, वहाँ बारात थी ना। हाँ वहाँ पे बारात नहीं, यहाँ की बात करो ना, यहाँ तुम 20 को आई हो, मतलब 5 दिन रही हो। फाइनली आज इन लोग जा रहे हैं, और इन लोगों की किस्मत इतनी इसकी किस्मत ख़राब है, 2-4 बार से जब भी आ रही है ट्रेन में कुछ ना कुछ मसला फंस रहा है, और आज भी मतलब 3-4-5-6 दिन हो गया है, आज ट्रेन सारी ट्रेन कैंसिल है, तो आज भी इन लोग को बस से ही जाना मिल रहा है, दो तीन दिन बाद का मिल रहा है। बच्चों की पढ़ाई लॉस हो रही है, पर लॉस होगी बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से आज ही इन लोग जाएंगे पर बस से। भाई का फोन आ रहा है। फ्रेंड्स किस्मत ख़राब है मेरी बहन की, बस में भी बुकिंग नहीं मिल रही, क्योंकि ट्रेन बंद है ना, तो सारे ट्रेन वाले बस में ट्रांसफ़र हो गए, तो इस वजह से बस भी फुल चल रही, तो परेशान है, हम बस में कॉन्टैक्ट कर रहे हैं इधर उधर उधर इधर, देखते हैं बन पाता है कि नहीं, वरना इसको फिर रुकना पड़ेगा दो दिन बाद से ट्रेन चालू हो रही है, तो फिर ट्रेन से जाएगी या फिर देखते हैं बस से बन जाता है हिसाब, तो फिर बस से हाँ? बोल सकती कि हम छोड़ के आ जाते हैं। हम छोड़ के आए फोर व्हीलर से, है आंटी? चलो हम तो चल देते हैं। आंटी कह रही थी नंबर ही जाएगी। स्माइल स्माइल, हाँ स्माइल, किसी को टाइम नहीं है भाई इतना। अस्सलामुअलैकुम, तो फाइनली बस का टिकट मिल गया है आज का, रात में 10 बजे का, और अभी दिन का खाना बनने जा रहा है, हम बोले तुम बनाओ जाते जाते, ये हमेशा जब भी जाती तहरी बना के जाती है दिन में, तो अभी बनने जा रही है तहरी, जो कि ये बनाने जा रही है। जीरा खाएं, वहाँ वो तहरी बन रही है, यहाँ हम ये बॉयल्ड एग्स रखा हुआ है, आंटी जो करके गई है उसको छील रहे, अभी हम सब खाएंगे बॉयल्ड एग्स, सुबह खाना चाहिए तो हम खाएंगे दिन में। हेलो फ्रेंड्स, अंडे खा लो, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। तो ये अंडे छिल गए हैं, ये देख यहाँ पे बन रही है तहरी। हेलो फ्रेंड, तहरी खा लो। अभी कहाँ बनी है? आज मंडे बन जाएगी, फ्रेंड को आते आते बन जाएगी। तहरी है, हम बोले अभी कहाँ बनी है, तो कहती है फ्रेंड लोग के आते आते तक बन जाएगी। यार अभी इसमें और भी क्या क्या डलेगा, अभी गोभी डलना है और अभी आलू भी डलेगा इसमें। सो फ्रेंड हम लोग जुगाड़ वाली तहरी बना रहे हैं, मटर डाल दी हम लोगों ने थोड़ी सी, और कबाब की हमारे सब्जी बनी थी, मैंने बनाई थी आलू गोभी मटर की सब्जी, तो बहुत सारी सब्जी बची है, तो वो सब्जी भी हम इस तहरी में मिक्स कर देंगे। ये देखो मिक्स हो रही है, मिक्स हो भी गई। फ्रेंड लोग भी करते होंगे। मेरी बहन कह रही फ्रेंड लोग भी करते होंगे, सभी करते हैं, फेंकने से अच्छा है भैया सेकेंड टाइम किसी में मिला जुला के उसको फ्रेश करके खा लो। वैसे भी कल रात की सब्जी है, कोई दिन में तो इतना वो नहीं हो गया कि वो सब्जी फेंक ही जाए, सो इस वजह से, वैसे भी तहरी में डलता ही है आलू गोभी मटर, तो इसलिए हम लोगों ने वो सारी सब्जी को इस तहरी में ट्रांसफ़र कर दिया है, मिक्स कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, मिक्स कर दिया, जो कि बहुत टेस्टी बनने वाली है तहरी, क्योंकि अगर अलग से बनी हुई कोई चीज़ मिक्स करो तहरी में तो उसका टेस्ट और बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अभी डल रहा है इसमें गरम मसाला, यहाँ पे चल रही है जाने की तैयारी, यहाँ पे फायदा कर रही है, कपड़ा फैला हुआ है, मेरी बहन लगी हुई है, फायदा लगी हुई है, और ये टक्कू कर रहा है साइकिलिंग। क्यों कर रहे हो, आता भी है? करो, ओफो टाइट लूज करते भी आता है, अल्लाह उसके लग ना जाए, फरीदा रुला दिया बच्चों को तुमने, हटो हटो कह रहा है वो, हटो। हाँ हाँ बस 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 हो गया,
पापा के लिए आई है ये साइकिल, इसमें एलिप्टिकल भी है। पापा तो कम कर रहे हैं, बच्चे ज्यादा कर रहे हैं। पूरा टाइम चढ़े रहते हैं। हाँ, ऐसा बहुत दुबली है ना, तो वो पूरा टाइम साइकिल चलाती है, मतलब साइकिलिंग करती है। मेरे पापा कह रहे थे इतनी दुबली है कि साइकिलिंग कर करके और छू मंतर ना हो जाए। टक्कों को देखो टाइट और सब करना आता है इनको। ये आ गई मेरी तहरी एंड चटनी। सब खा रहे हैं बैठ के। ये देखो हल्दी पार्टी में जा रहा है, इसके फ्रेंड की शादी है कल और आज हल्दी पार्टी है। तो ये देखो हल्दी वाला कुर्ता पहन लिया और मेरा चश्मा लगा लिया दबंग वाला। फ्रेंड्स हम बना रहे हैं चिकन। चिकन का मतलब ही ना पता होगा, चिकन की पूरी स्पेलिंग भी ना पता होगी। आप देख सकते हैं आप सारे सामान रखे हुए हैं जो मुझे पता है। हम बना रहे हैं, हमसे चम्मच लेके थोड़े चलाने लगी और कह रही हम बना रहे चिकन। वाह, और ये बना रही रोटी। चलो निकलने का टाइम हो गया बच्चों, मोबाइल में लगे हो। चलो चलो जा रहे हो तुम लोग। टक्कू जा रही हो फिर आना इंशाल्लाह। सब लोग जा रहे हैं, टाइम हो चुका है जाने का। बहुत बुरा लग रहा है। परिता हम कह रहे हैं अब फिर से आएगी मेरी बहन तो फिर तुम आना उसके साथ ज्यादा दिन के लिए। ठीक है। कैसा लग रहा है जाते हुए? बहुत मूड खराब है उसका, उसका जाने का दिन नहीं कर रहा है। तो क्या करें, जाना तो पड़ता ही है। चलो 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 बैग हम उठा लेते हैं। थैला अल्लाह, मेरा कपड़ा दबा दिया। कितना कचरा 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 हुआ, निकलते निकलते। चलो 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 गाइस, हम लोग जा रहे हैं। हम लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी जा रहे हैं गाइस। इतना बड़ा बड़ा बैग लेके आती है, पूरा एक बैग, इतनी बड़ी डिक्की है उसमें पैक हो जाता है। खाली बैग लेकर आएगी तब भर भर कर चलो। टाइम हो गया, जगह नहीं हमारी बचाई। चलो दानिश बैठा है पूरा बैग लेके आगे। दस बार मिल के आई है पापा से, बताओ क्या बोल रहे थे? हेलो, मैं बोली जा रहे ना फिर आखिरी में गई मैंने कहा जा रहे ना अगर पेट में पापा परेशान हो गए बोलते भाग गया तो चप्पल लेके मारूंगा, चप्पल फेंक के मारूंगा। सबको अब आ रहा रोना, ट्रेन में रोएंगे हम, बस में अब रोना आ रहा है इनको। बस बस हमको नहीं आएगा रोना, और बस दिल से हम रोते हैं। चलो अल्लाह हाफिज, हम लोग अच्छे से पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड्स बस जाने लगी है, अब हम भी चलते हैं घर। बैग छूट गया पैर। तो फ्रेंड्स आ गए घर छोड़ के, बड़ा ही बुरा लगता है जब छोड़ के आओ तो। और भाई चला गया अपने फ्रेंड के यहाँ, क्योंकि उसके फ्रेंड की कल शादी है ना, तो वो मुझे घर के नीचे छोड़ा और चला गया। पर उसके फ्रेंड की शादी में भी जाना है, तो ज़रूरी है जाना, तो जाना ही पड़ेगा। तो बहुत शादी शादी हो गई, खैर चलते हैं अब ऊपर। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, मैं रेडी हो गई हूँ, नेक्स्ट डे हो गया है, आज है
कौन सी डेट है आज? 26 है और मेरे भाई के फ्रेंड की शादी दिन में हो गई है, तो उसका रात पे रिसेप्शन है। तो हम रिसेप्शन में जाने के लिए रेडी हुए हैं, भाई भी रेडी हो रहा है, थोड़ा लेट हो गया है, अभी रात के 9:45 हो रहा है क्योंकि शादी बहुत लेट हुई, शाम हो गया था होते होते, तो रिसेप्शन भी लेट हो गया, तो इसलिए हम सब थोड़ा लेट ही जा रहे हैं क्योंकि घर वाले ही नहीं पहुँचेंगे तो हम क्या करेंगे जाके जल्दी पहुँच के। तो बस भाई अलग जाएगा पापा को लेके और मैं, सोनम और भावना एक साथ जा रहे हैं क्योंकि मेरे भाई के फ्रेंड की शादी है तो वो मेरा भी भाई हुआ, तो इसलिए मैं सबको लेकर जा रही हूँ। तो बस भावना आ रही है, भावना के साथ मैं जाऊँगी, आज उनको बुलाई हूँ और भावना आएगी और फिर हम सोनम को पिक करेंगे, फिर हम जाएंगे वेन्यू पे। ये देखो भाई भी रेडी हो गया है, बेचारा थक गया, कल से इन लोग की मरन हुई है। कल पूरी रात जागे हैं, आज दिन में शादी थी, उसके बाद रात में रिसेप्शन जाने की इन लोग की हालत नहीं बची है। जाने के लिए फ्रेंड भावना आ गई है, चलते हैं। हेलो, आ गई है मैडम सर सुधा जी के। सब अरे अरे आगे बढ़ा रहे, गाड़ी भगा रही, बैठी भी नहीं है, भगा रही है। नहीं यार छोड़ के मत जाओ, लेके चलो, तेरी गाड़ी अभी गई है ना, 9:50 थी। हाँ पापा भाई अभी गए हैं। अच्छा। चलो अभी भावना चलते हैं। हाँ चलो सोनम को पिक करते हैं, उसके बाद चलते हैं हम शादी में। शादी दिन में हो गई। अच्छा शादी आज ही थी? सिंधियों में दिन हो जाती है ना शादी। अच्छा, रात रिसेप्शन में हम जा रहे हैं। हाँ और देखो सर्दियों की रातें सब बंद, आओ 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 आओ, इनको तो सबसे ज्यादा ठंड लगती है। सबसे ज्यादा पूरे मतलब मुझे लगता है सबसे ज्यादा ठंड सोनम को लगती होगी। सही कह रही है ना? नहीं यार तुम लोग क्या जानोगे, तुम क्या जानो? सोनम तो मई जून में भी जैकेट पहने रहती है। अच्छा हम पहुँच गए वेन्यू। नहीं नहीं बस इसी के बराबर में ही खड़ी है गाड़ी, नाला है ना तो वही धसने। चलो चलो आ रहे जी, चलो चलो चलो, ये स्पेशल गेस्ट हैं जो आ रहे हैं सामने से। इन लोग का फोटो सेशन स्टार्ट, अभी अंदर इंटर नहीं किए हम। बहुत लंबा कॉरिडोर है फ्रेंड, चलते जा रहे आ ही नहीं रहा है। खा रहे हैं मंचूरियन सोया चंक्स। वैसे हम लोग क्या क्या खा चुके हैं, पाव भाजी और दही बल्ले और टमाटर चाट खा लिए और पापड़ी चाट खा। नहीं नहीं पापड़ी चाट नहीं, चाट बस खाए थे। नहीं टमाटर चाट खाए और एक और चाट खाए ना, टिकिया की चाट खाए। मंचूरियन थोड़ा सा ले रहे हैं और एक ही में तीनों लोग खा रहे हैं।
इसमें क्या है, मैं भूख लगी। बीरबल की खिचड़ी भी है, साग साग है, मक्के की रोटी, सरसों की रोटी एंड साग। क्या खा रही हो? पिज्जा। पिज्जा खा रही है हम, मैं और भावना खा रहे हैं साग एंड मक्के की रोटी। चलो पोज बना के खड़ी है फोटो खिंचवाने के लिए। खाओ है ना।
12 बजे बर्थडे है, सिर्फ 15 मिनट बाकी है। यही बर्थडे मनाएंगे लगता है तेरा। यही बर्थडे मनाएंगे आज। ऐसे ही बर्थडे मनाते रहेंगे। केक खाएगा? हां ही लिया था। केक घर में है। ले। हेलो सोनम मम्मू देखो। घर दरवाजा बंद कर, तुम केक काट के आओगी क्या? हाँ हाँ बोला, 12 बजने वाले हैं, केक काट के ही आएंगे। फोटो में ही देख लीजिए आप लोग, क्योंकि आए ही नहीं, कितना देर कोई वेट करेगा, सब जा रहे हैं। 12 बज गए हैं, मेरा बर्थडे भी आने वाला है, तो विश करना है, लोगों केक कटिंग करवाना मेरे घर जाके। लो भैया फाइनली। कैसे करी, मतलब घर इस तरह से जाती थी? 12 बजने वाले हैं, सिर्फ 2 मिनट बाकी है। रोड आधे में बनी है। गाड़ी में बर्थडे मन रहा है, 12 बज गए, 27 नवंबर लग चुका है एंड 26 की रिसेप्शन हम अटेंड करके लौट चुके हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। चलो अब केक कटिंग करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे। बेचारे लोग मेरी वजह से आ गए इतनी रात में भी। चलो चलो, मेरा केक यहाँ पे कितनी बेरहमी से रखा हुआ है मेरी भाई ने, ये बेचारी। वो लाऊं कैची? लाऊं? हाँ कुछ ला। ला रही। ये हो रही है मेरे केक की अनबॉक्सिंग। है। ये मेरा भाई है ना, ये मुझे अभी तक विश नहीं किया है। अभी तक विश नहीं किया। थैंक यू सो मच। ये केक तो ऐसे ही है, गले में मिलेगा। केक वाओ। थैंक यू वंस अगेन, अभी बहुत सारा बोलना है कल भी। वंस अगेन। चलो अच्छा लगा आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा, तुमने हमें
अपने बर्थडे में शामिल किया। ओहो, ये क्या बात हुई, शामिल तो हो ही आप लोग, ओके बाय बाय। तो फ्रेंड ये केक मेरे भाई की तरफ से था, बहुत ही प्यारा केक था एंड इसका फ्लेवर भी मेरा फेवरेट रेड वेलवेट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये केक। तो बस फ्रेंड ये था मेरा दो दिन का व्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा सो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहाँ पर एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ आप लोग से बहुत जल्द न्यू ब्लॉग में, अपने बर्थडे ब्लॉग में। तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके फ्रेंड, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।